हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ की बात यथार्थ के साथ। मैं डॉक्टर सुनील बालिया, एडिशनल मेडिकल डायरेक्टर। जैसे ही महीना आता है जुलाई और अगस्त का, वैसे ही हमें कुछ चीजों से राहत मिलती है तो कुछ हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। जो हमें राहत मिलती है वो एक गर्म टेम्परेचर से मिलती है, गर्मी चली जाती है, मानसून का मौसम आ जाता है। लेकिन मानसून का मौसम जैसे ही आता है, जैसे ही बौछारें आती हैं, वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों की भी बौछारें लेकर आती हैं। आजकल जो सबसे ज्यादा हमारी ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा डायरिया के पेशेंट्स हैं, जो कि पेट का इन्फेक्शन हो जाता है। उसके साथ साथ पानी के इकट्ठे होने की वजह से मच्छर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मॉस्किटो बॉर्न डिजीज भी बढ़ जाती है, जैसे कि मलेरिया के केस बढ़ जाते हैं, डेंगू के केस बढ़ जाते हैं, चिकनगुनिया के केसेस बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरा मानसून का जो साइड इफेक्ट हमारी हेल्थ पे होता है, वो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि वेरिएशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। हम बाहर निकलते हैं तो बारिश होने की वजह से घर के अंदर एक गाड़ी के अंदर आते हैं तो वहाँ पे एसी हो रहा होता है, और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से हम सडनली गर्म और ठंडा करते हैं, जिसकी वजह से गला खराब होना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सारे सिम्टम आते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आजकल तो सबसे कॉमन जो है वो वायरल ही है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ कोविड के केसेस भी पॉजिटिव आने लगे हैं। इस वेदर में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें, अपनी बात को स्वस्थ रखें, और आसपास कैसे लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं, ये भी उसको एक साथ बोलना चाहता हूँ। जैसे ही ये वेदर स्टार्ट होता है जुलाई मिड से लेके अगस्त परामर्श करें और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लें। वहीं दूसरा जो सोशल इंफेक्शन